हेलो भाई, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात सबसे पूछना चाहूँगा, कल किस किसने दिल बेचारा मूवी देखी है? जिसने भी देखी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे ज़रा रिव्यू बताइएगा और क्या सीखा आपने, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया कि मैं कल ये मूवी देख पाऊँ। लेकिन मैं उन लोगों में से था, आप भी होंगे, जो तड़प रहे थे इस मूवी को देखने के लिए, और शायद मैं आज या कल ये मूवी को देखूंगा जिस दिन में मेरे को पूरा टाइम मिलेगा। खैर, ज़रूर मेरे को मूवी का रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको लगी है। अब मैं वीडियो पे आता हूँ। आज की वीडियो मुझे पता है कि हो सकता है इस पर व्यूज़ कम मिले, हो सकता है लोगों को बोरिंग लगे, हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता ही है जब हम योगा, मेडिटेशन, भगवद गीता, सनातन धर्म इनकी बातें करते हैं तो लोग अक्सर ये बातें जो है बेफजूल लगती है, बुरी लगती है। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखती हैं, मैं समझता हूँ कि मैं मुझे चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। अरे, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ किसी को मोटिवेट कर सकूँ। मैं सिर्फ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पहले कुछ और होता था और अब जब से इन चीज़ों में आया हूँ और किस कारण से आया हूँ और क्या पाया मैंने इस कप के बाद, मुझे लगता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। कुछ लोग इससे अपना मोटिवेट होते हैं, कुछ लोगों को इंस्पायरिंग लगता है, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन मेरा फ़र्ज है कि मैं ये बातें ज़रूर रखूँ आपके सामने, क्योंकि बहुत अहमियत है इनके लिए। देखिए, पहली बात तो जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, योगा की, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कि क्या हमें चाहिए क्या। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला ये मेडिटेशन करके, ये सब बातें करके तुम्हें क्या मिला? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये समझो, मुझसे ये पूछो कि मैंने क्या खोया है, मैंने अपने अंदर का डर खोया है, फियर ऑफ एजिंग, उम्र बढ़ने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर, हर चीज़ का डर मैंने खोया है, परेशानी खोई है, दुविधा खोई है, अपने अंदर को जाना है मैंने, अपने अंदर के शैतान को खोया है मैंने। ये सब बातें लोगों को लगती हैं कि यार क्या बेफजूल बातें हैं, लेकिन मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं पहले बहुत अलग होता था। सन 2017 तक तो 17 तक तो मैं एक नास्तिक शब्द होता ना, नास्तिक होता है कि भगवान में ना मानने वाला, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते लोगों के लिए। मैं भगवान को मानता था जस्ट टू हेट हिम, आई यूज टू हेट गॉड, मुझे भगवान से सख्त नफरत थी, लिटरली को बता रहा हूँ, इतनी नफरत थी। मंदिरों में जाना बंद कर दिया था मैंने, जाता ही नहीं था, मतलब जाता ही नहीं था, प्रसाद नहीं खाता था, सब बेफजूल की बातें लगती थी, क्या है यार, ऐसे बेकार चीज़ है, कुछ नहीं है। आज मैं इतना बड़ा कट्टर हिंदू हूँ, उस पाथ पर चलने वाला हूँ जो भगवान विष्णु ने सेट किया है, जो भगवान विष्णु का दिखाया हुआ है। हुआ ये कि जब मेरी लाइफ में एक सडन चेंज आया, कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको सबसे प्यारी होती है जब आपकी ज़िंदगी से वो चली जाती है, तो आप बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी जीते हैं, अपना फ्यूचर सोचते हैं उस चीज़ के भरोसे, और जब वो चीज़ चली गई तो आपने आपके आने वाले कल बदल गए, आपका प्रेजेंट बदल गया, आपकी चेतनाएं बदल गई, हर चीज़ जो है आपने सोची थी सब बदल गई, और कुछ रास्ता आपको नहीं दिखता है। 2017 से पहले मैं 2 सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, और 2017 के बाद हुआ यह कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरी ज़िंदगी शायद मेरे ब्रेकअप के बाद से चेंज हुई, लिटरली आपको बता रहा हूँ। कुछ किसी का किसी इंसिडेंट से चेंज होती है ज़िंदगी, किसी का कुछ होता है, मेरे शायद मेरी लाइफ में ये ब्रेकअप था जो जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज करी है। सबके लाइफ में किसी ना किसी एक ऐसी मोमेंट आती है जब हम लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खो देते हैं जिसके भरोसे हमारी ज़िंदगी चल रही होती है, जब वो चली जाती है तो हम टूट जाते हैं अंदर ही अंदर। सन 2017 में मेरा रिलेशनशिप गया, 3 साल 1 महीना 23 दिन का मेरा रिलेशनशिप था, टूट गया। उसके बाद जिस दिन टूटा, 16 अप्रैल को संडे का दिन था 2017 को,
उस दिन भी मैंने सच से गुंदे कोशिश करी थी। हमारी छत जो है, पहले आपको बता दूं, वो 13 फ्लोर चढ़ के छत है, तो इतनी ऊंची हाइट से कि कोई बचने की उम्मीद ना हो। नहीं कर पाया, रुक गया, हाथ की नस काटी, बहुत बार काटी, उसके बाद भी काटी, आज भी इस हाथ पे निशान है। कभी हाफ स्लीव पहनूंगा तो दिखाऊंगा आपको। खैर, कहने का मतलब यही कि बहुत सारी चीज़ें हमने लाइफ में खोई भी हैं लेकिन पाए भी हैं, लेकिन हम जो पाते हैं उसकी अहमियत नहीं रखते। हम जो खो देते हैं ना, उसको बार बार रिकॉल करते रहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में चेंज यहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्या बचा अब ज़िंदगी में, कुछ नहीं बचा। ऑल ऑफ सडन मेरा ध्यान पॉलिटिक्स की तरफ चला गया, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लग गया, लिटरली आपको बता रहा हूँ। क्योंकि तब GST आया ही आया था, उसके बाद थोड़े दिनों बाद GST आया था, पूरी पॉलिटिक्स ऐसा BJP और बाकी ऑपोजिशन सब हो गया था। तो एक लाइफ में मैं ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या इंटरेस्ट लग गया था लाइफ में पॉलिटिक्स को लेके। खैर, पॉलिटिक्स चला तो फिर BJP की राजनीति समझी कि वो क्यों, क्या क्या करना क्या चाहती है BJP। तो मैं समझा कि वो सबके हक की बात करती है, हिंदू हो या मुस्लिम। कुछ लोग मेरे बात से एग्री नहीं करेंगे कि यार मोदी ये है वो है, अच्छी बात है आप मत करें, लेकिन जो मैंने समझा मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हमारे न्यूज़ देखता था, हर जगह हिंदू मर रहा है, हिंदू लड़कियों का रेप हो रहा है, कश्मीर बन रहा है हर दूसरी जगह, क्यों हो रहा था। मुझे ऑल ऑफ सडन इंटरेस्ट नहीं लग गया, लेकिन मैं सिर्फ बातें नहीं कर सकता था, मुझे इंटरेस्ट आने लगा अपने भगवानों में, मुझे इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि एक सत्य जो है उसका कभी नहीं झुला सकते। मैं जिस पे गुरूर था मेरे को कि हाँ मेरा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, ये है वो है, वो गुरूर मेरा चूर चूर हो गया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। जब मेरा घमंड चूर हो गया, कहते ना कि आपकी जीने में उम्मीद छिन जाती है, बंदा अगर जिंदा रहे रह भी सकता है, लेकिन अगर उसकी उम्मीद छिन गई तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो जब आपका सब कुछ खो जाता है तो आपके पास दो चॉइसेस होती है, या तो नई शुरुआत करने की या अपने आप को ख़त्म करने की। तो मैंने सोचा नई शुरुआत करते हैं, और मैंने नई शुरुआत इसलिए करी थी कि कुछ जान सकूं मैं भगवान से नफरत क्यों करते हैं सब लोग, क्यों ये जात पातियों बांटा हुआ है हमारा धर्म इन्होंने है। क्योंकि हमारे इसमें क्या है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम तो भगवान की कठपुतली है, भगवान जो ये जो हम कर रहे हैं सब ऑलरेडी जो है भगवान करा रहा है हमसे, हमको ये सब जो भगवान ने लिखा हुआ है सब, ये हम को बचपन से बातें बताई जा रही है। इससे क्या होता है कि हमारे मन के अंदर ना ये नफरत पैदा हो जाती है भगवानों को लेके, कि यार हमारे लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो भगवान को बोलते हैं कि तूने तो लिखा था ना ये सब, तेरी वजह से ही हो रहा है, तेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत है, माँ बाप को कभी ये बताना नहीं चाहिए किसी को भी, ये समझाना अगर है तो अच्छे से समझाए कि जो हमारी जिंदगी में होता है वो हमारी वजह से होता है, हमारा भविष्य लिखा गया है, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं लिखा गया। जीने हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वी थिंक दैट वी आर द सुप्रीम, हम सुप्रीम हैं, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। जिस इंसान की दुनिया के सबसे बड़े सत्य क्या है, जीवन मृत्यु, ये दो सत्य, जब इंसान इन दोनों सत्यों से वंचित है, किसी को नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब है, किसी को नहीं पता कि वो उसकी पास्ट लाइफ क्या थी, वो पैदा कब होता है कैसा होता है, जब तक हम होश नहीं संभालते साल डेढ़ साल तक तब तक हमें नहीं पता लगता हम खुद क्या है। तो ये दो सत्य हैं, जब हम इनसे वंचित हैं तो हम सुप्रीम कैसे हो गए, जिनके हाथ में उनका जीवन है ना मृत्यु है। हम सुप्रीम नहीं है, हमारे ऊपर एक शक्ति है। और रही बात हमारे धर्म की, जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, आधुनिक काल में हम जीते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। जैसे आप गालिब की शायरी अगर आप पढ़ते हैं, उनको आधुनिक काल का शायर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनकी शायरी पढ़ते तो ऐसा लगता है क्योंकि 150 साल उनको मरे हुए हो गए हैं गालिब को, तो उनकी शायरी आज अगर हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि भाई गालिब जो है सामने पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी जो स्थिति होती है उससे उनकी शायरी मैच खाती है। सेम चीज़ अगर हम भगवद गीता या वो चीज़ें लिखें जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हो चुकी है चीज़ें, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, वही प्रॉब्लम्स, वही ज़िंदगी, वही लोग, वही चेहरे पहले भी थे आज भी हैं। ये दिक्कतें पहले भी आई थी, ये दिक्कतें आज भी आएँ और आगे भी आएंगी।
इसलिए आप यह चीज़ से पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हम इसमें से क्या जान सकते हैं क्या नहीं जान सकते। हमारे साथ जो ऑलरेडी हो चुका है, हम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में भगवान से मिल चुके हैं, भगवान हमसे मिल चुके हैं, भगवान हमको बचते हैं, हम भगवान को बचते हैं उसी रूप में जिस भगवान जिस रूप में हम भगवान को पूछते हैं। वेद शास्त्र की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करूँगा योगा मेडिटेशन की। मत करिए, मैं कहता हूँ किसी को योगा नहीं करना मत करिए। मैं भी नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? शरीर को तकलीफ देने में हिचकिचाते थे, आलस भरा होता है। हमें 6 बजे कब उठते थे, हम जो लड़के मेरी बात सुन रहे हो, हमें 6 बजे उठना होता था क्रिकेट खेलने के लिए। हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, हमने 6 बजे से उठना होता था। बोर्ड्स के टाइम में उठते थे, एग्जाम्स टाइम में उठते थे सुबह 6 बजे। उसके बाद हम कभी नहीं उठे 6 बजे, अब नहीं उठते। लॉकडाउन में कुछ लोगों ने अपने रूटीन बदल लिए, कुछ लोगों का रूटीन 4 बजे सोने का हो गया, कुछ लोगों का रूटीन 4 बजे उठने का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हम कुछ ना कुछ करना चाहते थे। कुछ लोगों को अपने शरीर से प्यार था तो वो लोग योगा मेडिटेशन में घुस गए। मैं खुद योगा में 1 साल 1.5 साल बाद वापसी आया, मेडिटेशन में रेगुलर करता हूँ। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ। कभी हमने कभी ना कभी स्कूल में मेडिटेशन करी है, पीटी सर के कहने पे, टीचर्स के कहने पे, प्रेयर टाइम में, असेंबली टाइम में, हमने सब कुछ मेडिटेशन करी है। लेकिन हम आज तक नहीं समझते कि मेडिटेशन होती क्या है, क्या फ़ायदा है इससे। अगर हम, मेरा पेशेंस है 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग 2 मिनट 1.5 मिनट, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट भी आप स्टार्टिंग करें, आपको क्या फील लगेगा। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आंखें बंद करके जितनी आपकी स्पाइन सीधी हो सकती है उतनी स्पाइन हमने सीधी करके चौकड़ी मार के लेग्स क्रॉस करके ये मुद्राएं होती हैं। ये दोनों हाथों को यूं रख के आपने ये बोलना है, पहला ओम, दूसरा ओम। जब आप दूसरा ओम बोलेंगे आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन अपने आप ही दूसरा ओम पहले ओम से लंबा होगा, तीसरा ओम दूसरे ओम से लंबा होगा, चौथा ओम तीसरे से लंबा होगा और पांचवा चौथे से लंबा होगा। ये अपने आप ही होता है, क्योंकि आप और डीप चले जाते हैं, और डीप आप चले जाते हैं। उस वक्त आपको कैसा फील होता है? इस ब्रह्मांड की आवाज़ क्या है, इस ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो ओम है। जो पावर आपको मेडिटेशन देती है, मैं उस पावर के बारे में आपको बोलता हूँ जो मुझे पता लगा, जो मैंने महसूस करी वो पावर। उस वक्त हम मानते हैं कि यार हम ये चट्टान नहीं उठा सकते, मानते हैं ना, लेकिन वो 2 मिनट अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, आपके अंदर वो पावर आएगी कि आप चट्टान उठाने के लिए एफर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर इतना आ जाएगा कि उठा नहीं सकते, लेकिन हम धकेल तो सकते हैं, हम उसको जोर तो लगा सकते हैं अपनी पूरी पावर से। ये आपके अंदर सोच आ जाएगी। मेडिटेशन इतनी इतनी पावरफुल होती है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं सिर्फ 2 मिनट, मैं 10 मिनट तक कर सकता हूँ, कुछ 3 मिनट करते हैं, 4 मिनट करते हैं, बढ़ाइए, बार बार बढ़ाइए, ओम इतना कर सकते हैं आप। अगर वो जो आवाज़ होती है, ब्रह्मांड की आवाज़ क्या है, ओम, आपको लगेगा कि वो शक्ति आपके अंदर है। वो शक्ति जो है आपके अंदर है, ओम की शक्ति आपके अंदर है, ये ब्रह्मांड की शक्ति जो है आपके अंदर है। कोई भी बंदा जो मेडिटेशन करता होगा कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकता। और करना क्या है, योगा में तो फिर भी आपके शरीर के एफर्ट्स लगते हैं, लोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, लेकिन मेडिटेशन में क्या लगना है, आँखें बंद करनी है, स्पैन सीधी करनी है, ये 2 मैंने आपको बताए हैं, और ओम बोलना है बस। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। ये अगर आप सुबह दोपहर में मतलब 12 बजे करेंगे, 1 बजे करेंगे, 11 बजे उठने वाले लोग करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है। आपको पता है सदगुरु ने भी बात कही थी कि एग्जैक्टली 3:40 पे अगर आप जागे हुए हैं, 3:40 अगर आप जागे हुए हैं, तो कुछ अद्भुत होता है 3:40 पे रात को। 3:40 पे आप उठ के देखिएगा, कभी एग्जैक्ट 3:40 पे नहीं होता, कभी तो 3:35, सबके अलग अलग होता है। किसी को 3:35 पे वो फील होगा, किसी को 3:45 पे फील होगा, 3:42 पे, 35 से लेके 45 या 50 तक भी आप वो जागे हुए हैं। अगर उस टाइम पे आपको जो फील होगा वो चीज इतनी, वो एनर्जी ऐसी होती है 3:40 पे, कुछ ऐसा होता है कि आप
अब क्या होता है वो तो मैं इतना डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपको फील होता है, मैं सिर्फ फील की बात बता रहा हूँ कि मुझे क्या फील हुआ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे क्या फील हुआ। 30-40 पैसा लग के आता लगता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसको आप ऑलरेडी पूरा देख चुके हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप महसूस कर चुके हैं, बड़ी से बड़ी तकलीफ को आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में लव लाइफ बेकार चल रही है, कोई डिप्रेशन में है, 3:40 पर उठ के देखिए, नहीं हो सकता 6 बजे उठ के देखिए, मेडिटेशन करके देखिए, 2 मिनट, सिर्फ केवल 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट पर अपने आप आएंगे, 3 से 4 5 पर अपने आप आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप तड़पेंगे, आप भागेंगे। आपके घर में कोई काम होगा ना, मैं नहीं करना, मुझे 6 बजे उठना है, मेरे को मेडिटेशन करने जाना है, आप खुद से बात बोलेंगे। और 2 या 3 दिन का टाइम मत रखिए, मिनिमम मिनिमम 28 दिन का चैलेंज मैं आपको देता हूँ, 28 डेज, 4 वीक्स, अगर आप ये करते हैं 4 हफ्ते के लिए, 28 दिन लगातार जाते हैं मेडिटेशन के लिए सुबह 6 बजे उठ के, आपका 29वें दिन अपना रूटीन बन जाएगा, अपने आप रूटीन बन जाएगा। भगवद गीता से हम क्या जानते हैं, भगवद गीता में वो सारी बातें लिखी जा चुकी हैं जो हमारी ज़िंदगी में होने वाली हैं या होंगी, होने वाली हैं या होंगी, हमारे कार्य प्रणाली जो होता है उस सब के बारे में लिखा जा चुका है, हमारी फितरत, हमारी नीयत, हमारी क्षमता क्या है, वो सब भगवद गीता में लिखी जा चुकी है। अगर आपको अपने आप को जानना है तो भगवद गीता को जानिए। हम तामसिक हैं, राजसिक हैं, सात्विक हैं, अब कौन से गुणी व्यक्ति हैं ये आपको पता लगेगा, क्या विश्वास है आपका, कि कौन से लोग क्या खाने पीने वाले लोग हैं, आप कैसा खाना पसंद करते हैं आपका व्यक्तित्व बताता है वो, आप किसको पूछते हैं आपका व्यक्तित्व बताता है वो। और भगवद गीता को छोटा मत मानिए, संस्कृत को छोटा मत मानिए। आपने किसी ने जीनियस मूवी देखी, जीनियस मूवी ने क्या कहा गया, बड़ी अच्छी, मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन वो सीन बड़ा अच्छा लगता है जब उन्होंने कहते हैं वो कि क्वांटम थ्योरी, रोबोटिक्स और जितनी जितनी चीज़ें हैं जो आधुनिक विज्ञान की बातें होती हैं, सब ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा जा चुका है, वेदों में लिखा जा चुका है सॉरी। और वेद क्या है, विज्ञान की नींव है, वेद विज्ञान के लिए ही बने हैं, वेद हर चीज लिखी जा चुकी है। फादर क्या बताया गया उस मूवी में कि फादर ऑफ एटॉमिक बम कौन है, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। वो भगवद्गीता के एक श्लोक से प्रभावित थे, मुझे अच्छा लगता कि मूवी में वो श्लोक भी बताया जाता, लेकिन खैर मेरे मन की बात जो इतने सालों से चल रही थी जब से मैं इन चीज़ों में आया हूँ वो उस मूवी में कही गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मैं लोगों को बताता हूँ और ये बात इस मूवी में कही गई है, लोग अब समझें, क्योंकि आपकी बातों को ना समझे लेकिन चाहे तो मूवी मूवी में देख के वो चीज़ समझ जाए। तो मैं जब लोगों को कहता था कोई नहीं मानता था, लेकिन सेम चीज़ मूवी में बोली गई तो शायद लोग मानते हैं। भगवद्गीता का श्लोक अगर वो बोलते तो मेरे को अच्छा लगता, खैर वो भगवद्गीता का अध्याय 17वां है, श्लोक 3रा है। और इस चीज़ को अगर आप समझें तो हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि हम कितने डीप हैं हमारे अंदर ही, और हम कितने वंचित हैं अपने आप से ही। अपने आप को अगर जानना हो आपने तो योगा मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। योगा करने से कोई इंसान अगर 18 घंटे भी काम करता होगा ना, नहीं थकेगा। योगा ऐसी एक चीज़ है, आप जिम करते होंगे, करें, जिम ज़रूरी भी है। मैंने तो 17 मार्च को ही जिम की फ़ीस दी थी, और ये कहा था कि भैया मैं कम से कम 6 महीने की फ़ीस में दे चुका हूँ भैया को, ये करके कि भैया मैं जिम ज्वाइन करूँगा, क्योंकि कभी भी करें तो 6 महीने के लिए कम से कम जिम करें, तो इसलिए 6 महीने की फीस जो एडवांस पहले देते ताकि आपको आलस ना आए, मिनिमम 6 महीने की, या 2 महीने की देते, 3 महीने की देते, उतना टाइम तब करेंगे। तो मैंने 6 महीने की फीस पहले दे दी थी भैया को कि भैया मैं जिम करूँगा 2 अप्रैल से, पहले अप्रैल से नहीं, क्योंकि पहले तारीख को मैं कोई काम नहीं शुरू करता, मेरा एक रहता है। तो पहले तारीख को मैंने सोचा कि मैं जिम नहीं करूँगा, दूसरी तारीख शुरू करूँगा, लेकिन हुआ क्या, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू और 25 तारीख से लॉकडाउन, जिम आज तक बंद है। लेकिन क्या मैंने योगा छोड़ा, बिल्कुल नहीं, मैंने मेडिटेशन छोड़ी नहीं, मेरी फिटनेस, मैंने कहता मैं बिल्कुल फिट हूँ लेकिन मैं वीक भी नहीं हूँ, क्योंकि योगा करने से मुझे बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। बहुत, मैं कोई योगा प्रो नहीं हूँ, योगा करने में कोई प्रो नहीं हूँ, मैं कोई बाबा रामदेव नहीं हूँ या और जितने अच्छे अच्छे योगा करते, योगा ट्रेनर जो होते प्रॉपर, मैं वो नहीं हूँ।
लेकिन मैं अच्छे अच्छे आसन कर लेता हूँ, शीर्षासन भी कर लेता हूँ। अब मैंने शीर्षासन, मुझे 10 दिन लगे योगा में शीर्षासन सीखने के लिए, मैं कर लेता हूँ। ये चीज़ें जब आपको आते हैं ना करने, तो आपको अच्छा लगता है, फील आती है करने में, आपकी स्पाइन सीधी हो जाती है, आपके चेहरे का नून अलग हो जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, आपके अंदर की वॉइस कॉर्ड्स जो है ओम बोलने से बिल्कुल प्योर हो जाती है। ये चीज़ें अगर आप समझें, और हम नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हम ना भी करें तो हमें समझना चाहिए कि हमारा कल्चर कौन अपनाता है। बाहर वाले अपना रहे हैं, रशिया सबसे बड़ा हिंदू कल्चर वहाँ पे अपन अपना है, बढ़ रहा है बहुत, राइजिंग है वहाँ पे। दूसरी बात, संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत क्या है, जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटीज़, 1200 स्कूल अकेले जर्मनी में है संस्कृत, संस्कृत के और जगह भी है, जॉर्जिया में है और बहुत जगह है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो हमें कहा जाता है कि भैया आप तो, कहने का मतलब यह है कि हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते हैं। खैर, मैं भगवद्गीता को श्लोक आपको बता दूँ, नहीं तो बात रह जाएगी वहीं पे। भगवद्गीता का जो श्लोक था जिससे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर प्रभावित थे, और वो नॉट सिर्फ ये कि भगवद्गीता वो पढ़ते थे, दूसरों को बोलते थे कि आप भी भगवद्गीता पढ़ो, और पढ़ते थे, और दुनिया की रियलिटी क्या है भगवद्गीता में लिखी हुई है, भगवद्गीता में क्या बात कही गई है। भगवद्गीता अध्याय 17 श्लोक 3 क्या कहते हैं, सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो पुरुषो यो यछंद्र स एव स, यानी हर किसी की, यानी हम जो हैं, हमारी श्रद्धा जो है अलग अलग होती है, आपकी श्रद्धा मुझसे अलग होगी, मेरी श्रद्धा आपकी अलग होगी, हमारी श्रद्धा अलग होती है। हर हर हम जिससे पूछते हैं, जिसको पूछते हैं, जैसी श्रद्धा जिसमें रखते हैं, हम असली में भी वैसे ही हैं। हमारी श्रद्धा बताती है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। मैं जिसमें श्रद्धा रखूंगा मैं भी वही हूँ, मैं जिसमें श्रद्धा रखूंगा, सुन लीजिए, मैं जिसमें श्रद्धा रखूंगा मैं असली में वही हूँ, मेरा करैक्टर वही है, मेरा रूप वही है, मैं जिसमें श्रद्धा रखूंगा। अगर आपकी श्रद्धा भूत प्रेतों में है यानी तामसिक, शैतानों में है यानी राजसिक, भगवानों में है, देवताओं में है यानी सात्विक, मेरी श्रद्धा किसी की भगवान शिव में है, किसी की विष्णु जी में है, किसी की ब्रह्मा जी में है, किसी की हनुमान जी में है, किसी की गणेश जी में है, कोई माताओं को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, मैं विष्णु जी का भक्त हूँ। होता यह है कि हम लोग विष्णु जी के सिर्फ किशन जी को मान लेते हैं या सिर्फ राम जी को मान लेते हैं, मैं विष्णु जी का भक्त हूँ, उनके दशावतार का भक्त हूँ। ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो आपको पता लगता है कि हम, हमारी ज़िंदगी, ये ब्रह्मांड, इससे पहले भी एक दुनिया थी, और वो सच है जिनको हमारे शास्त्रों को निकाल निकाल के, वेदों को खोज खोर के, डीप में बिल्कुल ही जा जा के साइंटिस्ट जो है खोज कर रहे हैं, और हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को गाली देना जानते हैं। कोई भी बंदा, अगर आपको अपनी लाइफ में डाउट हो ना कि यार हमारे धर्म में इस जात पात क्यों है, जिस तरीके से जात पात दिखाई जाती है, अगर आप फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देख के जात पात का मतलब निकालते हैं, आपकी सोच भी वैसी ही होगी। प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप इन चीज़ों को पढ़ें, क्या कहती है, क्या अहमियत है इनकी, क्षत्रियाओं की, वैश्याओं की, वैश्य धर्म की क्या अहमियत है, क्या अहमियत है ब्राह्मणों की, क्या अहमियत है शूद्रों की, हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी को कहता है कि क्षत्रिय थे, हनुमान जी कहते हैं यार कोई ब्राह्मण थे ना, ना कांधे कांधे मुंजे ने हूँ साजे ब्राह्मण ना, नहीं 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 वो रावण के यार वो वहां पे गए थे, उन्होंने डील करी थी, वो वैश्य थे। हनुमान जी को क्या कहा जाता है, सर्वेंट ऑफ 4 कास्ट, 4 धर्मों की, 4 वर्गों की, 4 वर्णों की उन्होंने सेवा करी है, ही बिलोंग्स टू ऑल, 4 वर्णों को बिलोंग करते हैं, वो 4 वर्णों के थे। कोई मेरे को बोलता है ना कि हनुमान जी ब्राह्मण थे, तो मेरे को बड़ी चिढ़ लगती है कि उनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लोग इतना बकवास कर रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि सार्थक भाई ये बात बोल के वीडियो खत्म करूंगा, शायद बड़े हो गई, लोग मुझे बोलते सार्थक भाई यार आप
गालियां देते हैं भगवद गीता पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? देखिए भगवद गीता में एक बात लिखी गई है कि अगर आपको युद्ध करना है तो बातों से नहीं होगा, सामने वाला तीर चला रहा है तो आपको भी तीर चलाना पड़ेगा, वो जैसा बोलेगा वो उस भाषा में उसको जवाब दूंगा। किसी को बात समझ नहीं आएगी तो मैं और एग्जांपल देता हूँ, गटर को साफ करने के लिए पहले आपको गटर में उतरना पड़ेगा ना, समझ लीजिए। वो गाली देना जानते हैं तो हम भी जानते हैं, लेकिन मैं कब गाली देता हूँ सिर्फ उस शख्स को और उसी भाषा में देता हूँ, उस कौम को देता हूँ, उन पाकिस्तानियों को देता हूँ जिन्होंने हमारा सब कुछ लिया है उसके बाद हमारे पे भौंकते हैं। इनको जवाब देना ज़रूरी होता है उनकी भाषा में। यहाँ पे आके कुछ लोग सेकुलर बनते हैं कि यार पाकिस्तान भी तो हमारे देश है, आप पहले अपने देश की कमियाँ देखो। कौन से देश में कमी नहीं है, लेकिन कौन से देश में ऐसा है कि हमें रहने में गर्व महसूस नहीं होता या उनको नहीं होता? आप लोग हो सकते हैं यार कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो मेरे को आगे ज्ञान देते हैं, आप लोग हो सकते हैं यार कि आप ठंडा खून हो आपका, कि आप लोग सुन सकते हो, आपके देश के बारे में कोई बोल रहा हो, आपकी माँ बहन को गाली दे रहा हो, आप सुन सकते हैं। हम नहीं सुन सकते, हमें जवाब देना आता है, हम देते हैं। आपको भी कोई ऐसा लगे तो आप प्लीज़ दें, और जिस दिन आपने मेडिटेशन करी है, प्लीज़ जब से आप शुरू करेंगे मुझे बताइएगा, फर्स्ट जब भी जब आपका होगा मुझे बताइएगा कि क्या महसूस हुआ मेडिटेशन का। योगा मैं आपसे नहीं करवाने को बोल रहा, सिर्फ मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। वो जो एहसास होता है, वो जो एक्सपीरियंस आपको होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बताइएगा कि जिसने देखी हो दिल बेचारा मूवी कैसी लगी आपको। चल दोस्तों, हो सकता है मैं सोमवार या मंगलवार में दोबारा वीडियो बनाऊँ किसी अच्छे टॉपिक पे, मेरे बहुत टॉपिक्स हैं, दो तीन पेंडिंग हैं, उन पर भी बना सकता हूँ। मिलते हैं मंडे या मंगलवार को। जय हिंद।